अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह रमज़ान भी मुबारक स्टार्ट हो गया है। तो पिछला जो व्लॉग था उसमें माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत हौसला अफज़ाई की है। तो अब इस वक्त सहरी कर ली है, अजानें आ रही हैं, अब थोड़ी देर तक मस्जिद जाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। तो आज के अपना व्लॉग का आगाज़ करने से पहले ऐसे भाइयों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलते हैं हमारे आज के व्लॉग की तरफ। जी तो व्यूवर, अब हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं अभी तक पानी खड़ा है। व्यूवर नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और ये हमारे साथ हमारे भाई हैं, माशाल्लाह ये भी रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं और कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। तो जी तो व्यूअर, अब नमाज़ पढ़ने के बाद हम जो है मस्जिद से वापस जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो व्यूअर ये सुबह सुबह का व्यू चेक कर लें। मैं इस वक्त रोड पे आ गया हूँ, मेन इंडस कराची रोड है, ये नई सड़क बनी है, इसका व्यू चेक कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं फार्म हाउस की तरफ। रात को बहुत तेज़ बारिश आई है तो देखते हैं क्या सूरत हाल। जी तो व्यूवर, फाइनली हम लोग ज़मीनों पे आ गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ कि बारिश के बाद हमारी फसल की क्या सूरत हाल है। आप बैक साइड पे देख सकते हैं। तो व्यूवर ये आप फसल की सूरत हाल देख सकते हैं, सारी फसल का बहुत नुकसान हो गया है। ये आप देख सकते हैं बारिश की वजह से और हवा की वजह से सारी फसल गिरी हुई है। मैं आगे भी आपको चल के थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ। ये देखें व्यूवर, ये आगे सारी फसल पकी हुई थी। ऑलमोस्ट जो है दो रातों से मुसलसल जो है ना बारिश की वजह से फसल की अब ये सूरत हाल है। आगे भी बहुत सी फसल का नुकसान हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें व्यूवर, पकी हुई फसल है और बारिश की वजह से इसकी ये सूरत हाल हो गई है। व्यूअर ये मेरा बैक साइड पे देख सकते हैं, बारिश की वजह से कितना नुकसान है। मुसलसल दो रातों से जो है ना मुस्तकिल बारिश हो रही है जिसकी वजह से फसल का इतना नुकसान है। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से कि आइंदा मजीद नुकसान से हमें बचाए और हम लोगों को रमज़ान शरीफ है तो रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। और नीचे आपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आज किस भाई ने जो है ना रोज़ा रखा है। तो हमारे साथ बनिए, आज की मैं आपके साथ अपनी सारी रूटीन शेयर करूँगा। व्यूअर ये जो रश आप देख रहे हैं, सोच रहे होंगे ये किस चीज़ का है। जी हाँ व्यूअर, ये गवर्नमेंट की तरफ से आटा मिल रहा है गरीब लोगों को और वो आटा लेने के लिए ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं। आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। जी तो व्यूअर, इस वक्त हम मस्जिद में बैठे हैं असर की नमाज के बाद, थोड़ी सी कुरान मजीद की तिलावत की है। तो तिलावत करने के बाद अब इफ्तारी का टाइम हो गया है, तो इफ्तारी की तैयारियाँ करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। जी तो व्यूवर, इशा की नमाज और तरावी अदा करने के बाद हम अब घर की तरफ जा रहे हैं। आई होप सो कि आज की जो हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।